सीहोर नगर के अंतर्गत आने वाले शेखपुरा को एक नई सौगात मिली है। उक्त सौगात का भूमि पूजन मंत्री आरिफ अकील के कर कमलों से संपन्न हुआ है। मंत्री आरिफ अकील ने इसका भूमि पूजन करते हुए सभी मैकेनिकों को बधाई दी एवं कमलनाथ सरकार का गुणगान भी किया। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा, सीहोर नगर में जिन लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है उन लोगों को भी सरकार नहीं छोड़ेगी। जिनके पास शुगर फैक्ट्री में मकान है उन लोगों को स्थायी करने के अलावा जिन लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। पत्रकारों ने जब आरिफ अकील से पूछा कि कर्जा माफ कागजों में ही हुआ है, असली में तो सीहोर जिले का कर्जा माफ हुआ ही नहीं है, इस पर भी कोई संतुष्टिपूर्ण उत्तर नहीं दे सके। और वो कहेंगे ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो आप उनसे कह दो कि उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है। जहाँ तक हम मोहब्बत चलाने के लिए काम करेंगे और इस मामले में हम किसी से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, जनहित में काम करेंगे। अभी आपकी सरकार आपके द्वार में आप लोगों से चर्चा करूंगा, आपकी बात सुनूंगा। मेरी सरकार ने ये व्यवस्था की है, जो आवेदन मुझे मिलेंगे उसको यही कलेक्टर साहब को दूंगा, वो कंप्यूटर पर ऑनलाइन करके कापी मुझे भेजेंगे और उसका निराकरण कैसे हुआ वो भी मुझे बताएंगे। अब सरकार तो अपनी जिम्मेदारी निभा रही है और बहुत निभाएंगे। अभी हम बहुत सारे लोगों का दो दो तीन सौ एकड़ जमीन पर कब्जा है, वो कब्जा कैसे है, क्यों उनको मिल गया, क्यों इसमें काम कर रहे हैं, उसको भी देखेंगे, उस पर भी कार्रवाई करेंगे। हम छोड़ने वाले नहीं हैं। गरीबों का हक जो है वो गरीबों को मिलेगा। मैंने कलेक्टर साहब से कहा कि शुगर फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं उसमें जो लोग रहना है उनको छोड़ के, जो लोग फ्लैट बना के फार्म बना के और बड़ी बड़ी खेती कर रहे हैं उनकी लिस्ट बनाइए। दोपहर न्यूज के लिए सीहोर से अनिल मालवीय की रिपोर्ट।